सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी निकालने की ज़रूरत आपको कई बार कोर्ट में जाने के लिए पड़ती होगी, नहीं पड़ी है तो भी आप जानकारी रखिए कि आखिर सर्टिफाइड कॉपी कैसे निकाली जाती है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको सर्टिफाइड कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। नहीं भी काट रहे हैं उसके बावजूद कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट, चाहे वो ऑर्डर हो या जजमेंट हो या डिक्री हो या कोई और डॉक्यूमेंट जिनकी सर्टिफाइड कॉपी आपको कोर्ट से चाहिए, वो कोर्ट से कैसे निकलेगी उसका मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। सबसे पहले एक एप्लीकेशन आपको कोर्ट में देनी पड़ती है। ये एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी फॉर्म। ये एक रेलिवेंट पर्टिकुलर फॉर्मेट में फॉर्म रहता है जिसमें आपको निश्चित रूप से एक टिकट लगानी पड़ती है, जो 5 रुपये या 10 रुपये अलग अलग कोर्ट, वहाँ आप पता कर लीजिए कितने की टिकट लगने वाली है। वो स्टैम्प आपको फिक्स करके और जिस भी कोर्ट में है वहाँ के क्लैरिकल स्टाफ का सिग्नेचर लेकर के आपको सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन, जो भी कोर्ट में एक अलग से सेक्शन बना होता है, सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन में इस आवेदन को, एप्लीकेशन को जमा करना है। इस आवेदन में आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, जिसपे सबसे पहला जो आपको ये है कि पार्टीज़ और अ लॉयर इन्वॉल्व इन अ केस टू गेट द सर्टिफाइड कॉपी। तो कोई भी इस पे जो पार्टी है, जिसका केस है, जिसका प्रकरण है, वो इस कॉपी को निकाल सकता है, सर्टिफाइड कॉपी को, चाहे वो जजमेंट है या ऑर्डर है या डिक्री है या कोई अदर डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। कौन कौन निकाल सकता है? जो पार्टी इन्वॉल्व है या लॉयर जिस केस में इन्वॉल्व है वो इस सर्टिफाइड कॉपी को निकाल सकते हैं। इसके साथ में जो भी कंप्लीट डिटेल है वो आपको भरनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट का, जो फॉर्म आपने कोर्ट में ही लिया है। तो फिल ऑल द फॉर्म मेंशनिंग कंप्लीट डिटेल लाइक योर केस नंबर, जो आपका केस नंबर है वो आप मेंशन कीजिए, किस डेट का डॉक्यूमेंट है उसकी आप तारीख मेंशन कीजिए, अगर जजमेंट है तो कब ख़त्म हुआ उसकी डेट आप मेंशन कीजिए, किस जज के यहाँ से ख़त्म हुआ जज का डिजिग्नेशन और नाम मेंशन कीजिए, कोर्ट का नंबर मेंशन कीजिए। और ये सारी चीज़ें आपका मेंशन करने के बाद आपका खुद का डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका कंप्लीट एड्रेस क्या है, ये उस फॉर्म में भरने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट कौन करेगा? या कि आपका लॉयर करेगा जो उस केस में इन्वॉल्व है, या कि आप खुद करेंगे। आपकी भी डिटेल क्या क्या लगती है, नेम ऑफ द पार्टीज़ वो भी आपको भरनी पड़ेगी, डेट ऑफ जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर वो आपको भरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और भी स्पेसिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपको भरना पड़ेगा, सिंगल कॉपी चाहिए, डबल कॉपी चाहिए, ट्रिपल कॉपी चाहिए, वो आपको भरना पड़ेगा, जज का नाम या डिजिग्नेशन जैसा मैंने आपको बताया वो भरना पड़ेगा, और प्रॉपर फीस आपको पे करनी पड़ेगी उसी सेक्शन में, मतलब सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन में। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट एक डिटेल। इसके साथ ही अगर कोई भी व्यक्ति इस डॉक्यूमेंट को निकालना चाहता है तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसी पर्टिकुलर कोर्ट के जज या कोर्ट के क्लैरिकल जुडिशियल जो क्लर्क होता है ना, जेसी बोलते हैं, उसके सिग्नेचर रिक्वायर्ड होते हैं, तो उस कोर्ट में जाकर के सिग्नेचर ले लीजिए। इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन का और अमूमन 15 दिन का टाइम भी लग जाता है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये मैंने आपको बता दिया, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट आपको भरना ज़रूरी है, कॉस्ट काफ़ी कम रहता है, आप उसी कोर्ट में जाके ले सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे बताइए। इसके साथ ही हमारा चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप मेंशन है, डिस्क्रिप्शन लिंक मेंशन है, वहाँ से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे बात कर सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आपने हमें दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद।